हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीड एडमिट कार्ड या एडवांस सिटी अलॉटमेंट पे। मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको सिटी अलॉटमेंट कर दिया गया है। जो राजस्थान के स्टेट से हैं उन्हें भी ये मालूम हो जाए कि उसके किस सिटी में सेंटर है, एंड जो आउट ऑफ स्टेट है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रेन बुक करने पड़ते हैं, बस से आने पड़ते हैं, तो ट्रेन के लिए उन्हें टिकट ऑलरेडी बुक करना होगा। तो उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है कि अभी से वो आप अपना ट्रेन बुक करा सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक करा लीजिए, जिसमें ट्रेन टिकट अगर बुक कराते हैं तो उससे आप उस सिटी में पहुँच सकते हैं। फिर सिटी के नियरेस्ट में जहाँ भी होगा, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे, तो राजस्थान गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम करती है कि रीट के सभी कैंडिडेट के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट बस प्रोवाइड कर देती है। यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, RBSC जाएंगे। यहाँ देखिए, हमने RBSC पे लिखकर सर्च किया था, लेकिन RBSC जाना है आपको। क्या करना है, RBSE अजमेर लिख करके अगर आप सर्च करेंगे अजमेर, तो आप इस वाले लिंक पे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो लिंक पे पहुँचते ही आपको क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये लिंक दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए ये इसके ओरिजिनल वेबसाइट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये राजस्थान की ओरिजिनल वेबसाइट है। आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ये कोई फेक नहीं है, आप सर्च करके देख सकते हैं। सर्च करते ही आपके पास ये वाले तो इसके बोर्ड के लिए हैं, जो 9, 10, 11, 12 होते हैं ये उनके लिए है, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपको रीट वाले के पोर्शन है। तो रीट वाले में सबसे फर्स्ट वाले जो लिंक दिखाई देगा आपको, इस पर क्लिक करना है। जनरली मैं इसे क्रोम ब्राउजर से नहीं बना रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने डाउनलोड करके, इस वजह से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो आपको इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सिटी, दिखाई दे रहा है। एडवांस का मतलब पहले ही आपको सिटी का अलॉटमेंट बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या रीप्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अपना जो भरा है, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप उसका रीप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से जानना है कि किस सिटी में आपको एग्ज़ाम है, तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे चले आएंगे। देखिए मैंने सर्च किया था, तो देख रहे हैं आप, मेरे पास फर्स्ट ये लिंक है, दूसरा यहाँ पहुँच गए थे, फिर तीसरा, फिर से हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसी तरह से आपको पहुँचना है। क्रोम ब्राउज़र फ़ोन से भी आप सर्च कर सकते हैं, बड़े आसानी से खुल जाता है। या आपके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, तो आप बड़े आसानी से खोल सकते हैं। तो आप यहाँ पहुँच गए। जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, सबसे पहला नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ऑलरेडी अभी इस बार न्यू भरे हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और जो और पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल भर रखा था सेकेंड लेवल के लिए, उनके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर से आपने सबमिट किया होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले डेट क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद मंथ क्लिक करेंगे, मंथ में आपका नेम देता है जनवरी फरवरी, फिर ईयर, अब किस ईयर में है यहाँ पर शो करता है वो ईयर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर कैप्चा जो लिखा हुआ है ये क्लिक कर देंगे। अगर कैप्चा आप रीड नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, जो आपका अनदर कैप्चा आ जाएगा, जो साफ साफ दिखाई देगा। जैसे ही आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करते ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। देखिए मेरे पास एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने प्राइवेसी के लिए इसे हाइड कर रखा है, और ये नेम यहाँ पे लिखा हुआ था प्राइवेसी के लिए हाइड कर रखा है। देखिए लेवल ऑफ एग्जामिनेशन लेवल 2 सिटी, देखिए टोंग दिखा रहा है। अब देखिए डेट कब दिखा रहा है, 23/7/2022 दिखाई दे रहा है। शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में है यहाँ पे। अब ये लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, रीट 2022 के लिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड नहीं है, यह केवल परीक्षा केंद्र शहर के आवंटन के लिए अग्रिम सूचना है। यानी पहले आपको सूचना दी जाती है कि आपको किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। क्यों वो बाद में जारी करेंगे, ये प्राइवेसी सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि पिछले बार आपको मालूम होगा जैसा कि सेकेंड लेवल में थोड़ी धांधली हुआ था, तो उसी को उन्होंने एक संज्ञान लेते हुए इस बार इन्होंने ऐसे किया कि पहले सिटी अलॉटमेंट करेंगे, किसी भी कैंडिडेट को सीट ये ना पता चल सके कि एग्जैक्टली उसको किस शहर में एग्ज़ाम, किस एग्जामिनेशन सेंटर पे उसका एग्ज़ाम है, तो सेंटर अभी नहीं पता चलेगा। इससे आपका सिटी पता चल गया, आप सिटी तक पहुँच सकते हैं एक दिन पहले। हो सकता है कि एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड दिया जाए, जैसे आपका 23 का एग्ज़ाम है तो 22 का, 20 का, इस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो, ताकि आप पहुंच करके डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भेजें। ये भ्रम ना फैलाए कि एडमिट कार्ड आ गया है, ये अभी सिटी अलॉटमेंट है, और ये आउट ऑफ स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।